उल्लासनगर में शुक्रवार शाम को उल्लासनगर कैंप नंबर 3 स्थित शांति नगर शमशान भूमि के सामने एक विचित्र दुर्घटना घटित हुई। इस दुर्घटना में 2 वर्ष के बच्चे की मृत्यु हो गई व 2 युवक बुरी तरह घायल हो गए। बता दें कि शुक्रवार की शाम उल्लासनगर कैंप नंबर 3 स्थित शांति नगर शमशान भूमि के सामने एक खड़ी भरे हुए डंपर के जाते समय रास्ते के खड़े में डंपर का चक्का जोरदार झटका लगने से टायर फट गया और चक्के की लोहे की रिंग बगल से जा रहे मोटरसाइकिल पर जोर से टकरा गई, जिससे मोटरसाइकिल पर 2 युवक और 1 बच्चा बैठा था। लोहे की रिंग बच्चे को जोर से लगने से बच्चे ने वहीं दम तोड़ दिया। दोनों युवक भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मृतक बच्चे का नाम हबीबुल्ला चौधरी और दोनों युवक का नाम अर्जुन पाल और साहबुल्ला चौधरी है। ये दोनों गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें नज़दीक के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। उल्लासनगर शहर के रास्तों पर जगह जगह कुछ खड्डों के कारण यहाँ के नागरिक त्रस्त हैं। इन खड्डों ने शहर में दूसरी बल्ली है। अब महानगर पालिका प्रशासन इसका संज्ञान लेगी क्या, ऐसा प्रश्न नागरिकों में उपस्थित हो गया है। ब्लॉक से 3 बच्चे आ रहे थे पेट्रोल भरवाने के लिए काजल पेट्रोल पंप के इधर ऐसा हो गया। एक छोटा सा बच्चा था 2 साल का, एक 16 साल का पीछे बैठा था, एक टाकी में छोटा सा बच्चा बैठा था, एक अर्जुन पाल बोल के गाड़ी चला रहा था। ये इधर आने के लिए क्या हो गया, डंपर आ रही थी माल भर के, ये डंपर एक खड्डे की वजह से इनका रिंग उड़ के ये बाइक पे गिरा। बाइक पे गिरने से बच्चे लोग को समझा नहीं क्या हो गया क्या नहीं, ये लोग गिर गए। गिर गए तो इधर आजू बाजू वाले सब उठा के दवाखाना लेके गए। इधर के डॉक्टर बोले सिटी स्कैन करवाने के, हम कल्याण लेके गए। इधर बोले मुक्ति, बच्चे का डेथ हो गया है, 2 साल के बच्चे का। एक लड़के का पाल का पैर फ्रैक्चर हो गया है, एक दूसरे लड़के का 16 साल के लड़के का इसका आग गया है, इसका ऑपरेशन करने का। ये महानगर पालिका ने पैसा खा के भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, खड्डे बुझा रहे नहीं, कुछ नहीं कर रहे, ओनली भ्रष्टाचार चले उल्लासनगर के अंदर। ये खड्डों को जो कितने लोग की मौत हो जाएगी और कितने लोग मरेंगे कुछ पता नहीं, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। जो भी ठेकेदार लोग हैं इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, आगे जगह और किसका डेथ नहीं हो। हमारा यही जय हिंद जय महाराष्ट्र।